गुमे किसी के प्यार में ईशा मैम को गोली लगता देख ईशान और सवि दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। सवि मौका देखकर भंवर पाटिल के हाथ से बंदूक नीचे गिरवाने वाली है। ईशान भी भंवर पाटिल को मार मार कर बुरा हाल करने वाला है, लेकिन वहां पर तभी पुलिस आ जाती है और ईशान से कहती है कि आपको इसको मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको अब सबक हम सिखाएंगे। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं क्योंकि सभी लोग अब भंवर पाटिल के चंगुल से निकल गए हैं, सभी लोगों को राहत मिलती है। लेकिन भंवर पाटिल इतनी आसानी से सवि और ईशान का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, वह पुलिस के चंगुल से भाग जाने वाला है और वहीं पर वापस पहुंच जाने वाला है और ईशान को सीधा गोली मारने वाला है।